इस वीडियो में हम आपको बीएससी थर्ड ईयर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर बताएंगे जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानिए क्वेश्चन क्या है। हाउ डू फोटोकेमिकल रिएक्शन डिफर फ्रॉम थर्मल रिएक्शन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर पूछा है फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। एक्सप्लेन द फोटोसेंसिटाइजेशन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। यह बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में 15, 17 और 19 में। तो सबसे पहले आप इसका आंसर लिखेंगे एक साइड थर्मल रिएक्शन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन, दूसरी साइड आप लिखेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। पहला जो डिफरेंस है दी रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो थर्मल रिएक्शन होता है वह हीट के एब्जॉर्प्शन से होता है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में दी रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट के एब्जॉर्प्शन से होता है। दूसरा जो है डिफरेंस दे कैन टेक प्लेस इवन इन डार्क। यह रिएक्शन थर्मोकेमिकल रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन के लिए लाइट अब्सेंस है, यह डार्क में थर्मल केमिकल रिएक्शन होता है, जबकि द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नेसेसरी। फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट का प्रेजेंस नेसेसरी है और थर्मोकेमिकल रिएक्शन में लाइट का अब्सेंस नेसेसरी है। थर्ड द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए थर्मोकेमिकल इज ऑलवेज। थर्मोकेमिकल आप यहाँ पर रिएक्शन लिख लीजिएगा, थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। थर्मोकेमिकल रिएक्शन में फ्री एनर्जी जो चेंज होती है वह हमेशा निगेटिव होती है, जबकि द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा जी ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन में बी नॉट निगेटिव। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन की फ्री एनर्जी चेंज होती है वह निगेटिव हो सकती भी है और नहीं भी। और जो चौथा डिफरेंस है टेम्परेचर हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वह थर्मोकेमिकल रिएक्शन के रेट पर बड़ा सिग्निफिकेंट बड़ा प्रभाव डालता है। टेम्परेचर थर्मोकेमिकल रिएक्शन के रेट पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, और टेम्परेचर हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। और फोटोकेमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत ही लेस अमाउंट में उसके रेट पर जो है प्रभाव डालता है। और जो चौथा पांचवा जो डिफरेंस है इन दिज रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी राइजेज फ्रॉम द इंटर मॉलिकुलर कोलिजन वार इट इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो थर्मल रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी अराइजेज होती है वह इंटर मॉलिकुलर कोलिजन की वजह से होता है, और इन दिज रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन ऑफ सूटेबल एनर्जी। और जो छठवां डिफरेंस है व्हेन ए रिएक्शन मिक्सचर इज एक्सपोज टू हीट रेडिएशन। और इसमें व्हेन ए रिएक्शन मिक्सचर इज एक्सपोज टू लाइट रेडिएशन, इसमें जो रिएक्शन मिक्सचर को एक्सपोज जो करते हैं उसको हीट रेडिएशन कहते हैं और यहाँ लाइट रेडिएशन से। और इसमें देखिए एक टॉपिक पूछा गया, ये अलग से भी आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज फोटोसेंसिटाइजेशन और फोटोसेंसिटाइजर। यह 2019 में भी आया था, यह इम्पॉर्टेंट भी है। तो जानते हैं कि फोटोसेंसिटाइजेशन होता क्या है। सच ए सबस्टेंस विच वेन एडेड टू ए के
added to a reaction mixture help to start the photochemical reaction, but itself does not undergo any chemical change is called photosensitizer, and the process is called photosensitization. ऐसा सब्सटेंस जिसको हम रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करते हैं जिसकी सहायता से फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन वह उस रिएक्शन में भाग नहीं लेता, उसमें किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं करता, उसे हम सेंसिटाइजर कहते हैं। फिर सुनिए एक बार, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करते हैं और उसकी सहायता से फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, बट लेकिन इट सेल्फ डज नॉट अंडरगो, लेकिन वह रिएक्शन में इट सेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, और वह किसी भी तरह का केमिकल में किसी भी तरह का चेंज नहीं करता, उसे हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं, और एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजेशन, और यह प्रोसेस फोटोसेंसिटाइजेशन कहलाता है। यहाँ आपसे पूछा गया एक सूटेबल एग्जाम्पल के साथ बताइए, तो एक सूटेबल एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। दस ए फोटोसेंसिटाइजर सिंपली एक्ट एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, और यह जो फोटोसेंसिटाइजर होता है वह सब्सटेंस जिसकी सहायता से फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, वह एक प्रकार का एनर्जी का कैरियर है, वह एक प्रकार का वह जो फोटोसेंसिटाइजर होता है वह एक्ट एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी की तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एज ए फोटोसेंसिटाइजर, यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन का करेंगे किसके प्रेजेंस में, क्लोरीन, और क्लोरीन यहाँ पर फोटोसेंसिटाइजर के का कार्य करता है, मतलब कैरियर ऑफ एनर्जी। देखिए, यूवी रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय सीएल टू मॉलिक्यूल, क्लोरीन जो है यूवी रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है एंड डिसोसिएट देम इनटू सीएल एटम, और वह अपने एट और वह डिसोसिएट रहता है किसमें, क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम में, बट दे हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, लेकिन यह जो क्लोरीन होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इफेक्ट डालता है किस पर, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन पर। हाउ एवर इफ द मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड क्लोरीन इज एक्सपोज टू दिज रेडिएशन हम क्लोरीन एटम और ओजोन के मिक्सचर को अल्ट्रावायलेट दिज रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं, ओजोन इज रेडियली डिकम्पोज्ड, और ओजोन जो होता है रेडियली तुरंत जो होता है वह डिकम्पोज जाता है, टूट जाता है अलग अलग। वेयर एज क्लोरीन रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, और जो क्लोरीन रहता है वह ऑलमोस्ट अनचेंज वह चेंज नहीं होता है एंड ऑफ द रिएक्शन अभिक्रिया के अंत में। देखिए, रिएक्शन यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल है, इसने यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और Cl एटम क्लोरीन एटम में टूट जाता है, फिर यह क्लोरीन और ओजोन के मिक्सचर को हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं, तो Cl O3 स्टार, और यहाँ पर एक सबस्टेंस है जिसको हम अभी आपको बताएंगे, प्लस यक्स, इसको हम अलग से ऐड करते हैं, अभी बताएंगे क्यों ऐड करते हैं। फिर इस Cl O3 को हम यहाँ पर लाते हैं, Cl O3 को ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हैं, Cl O2 प्लस O2 बाहर निकल जाता है, फिर इस Cl O2 को फिर O3 ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हैं Cl O3, यह कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर O2 ऑक्सीजन
बाहर चला जाता है। और देखिए जो यहाँ पर यक्स था, यह एक वेयर यक्स इज एनी मालिक्यूल कैपेबल फॉर एब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड देन ट्रांसफरिंग इट टू द रिएक्टेंट। यक्स एक ऐसा मालिक्यूल है जो कैपेबल है एनर्जी एब्जॉर्ब कर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को पहले यह एब्जॉर्ब करता है, फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, देन ट्रांसफरिंग इनटू द रिएक्टेंट। एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्टेंट को ट्रांसफर करता है एनर्जी। और क्लोरीन, यहाँ पर देखिए क्लोरीन एक्ट एज ए फोटो सेंसिटाइजर इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। और यहाँ पर जो क्लोरीन है वह फोटो सेंसिटाइजर के रूप में यहाँ पर काम करता है, किसके डिकम्पोजिशन में, ओजोन के। और एक एग्जाम्पल है, यह ज़्यादा खास नहीं है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, सेम उसी तरह है यह भी, बी जेड मतलब बेंजो फिनोन। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो।